अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह सारी शॉपिंग तो हो गई और घर की साफ सफाई भी हो गई है ना। जो थोड़ा बहुत बचा कुछ सामान था वो कल लेके आ गए, कल मम्मी लेके आ गए। अभी सिर्फ मेरा काम है, थोड़ा मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट पीसना है और दरदरी मिर्ची बना पीस के रखनी है, हरी वाली। मोमोज की चटनी बनानी है, सिजवन चटनी बनानी है और दो किस्म की और चटनी बनानी है जो कबाब वगैरह के साथ में खाते हैं, और एक खट्टी मीठी चटनी बनानी है। खट्टी मीठी चटनी जैसे कि समोसे के साथ या चाट वगैरह पे भी डालकर हम खा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा महीने भर का बनाकर रख लेती हूँ, टाइम नहीं रहता है। और माशाल्लाह अभी पूरा घर भी साफ हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। कल आपको पूरा ब्लॉग देखने मिलेगा मेरे घर का, क्या मैंने रमजान के लिए कैसे घर को मैंने सजाई हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने कुछ तो बीच में फोन आ गया था डैडी का। इसके डैडी गए ना लोहा चल, लाइट मंगाने के लिए भेजी हूँ मैंने इधर लगाने के लिए। अभी तो देखिए पूरा किचन के ऊपर का पूरा साफ दिख रहा है एकदम। मैंने जो सामान था सब हटा दी। यहाँ पर मैं क्रे रखती थी और उसके अंदर गिलास और ये जग रखती थी, तो अभी क्रे को हटा दी और सारे गिलास जो है मैंने इसके अंदर डाल दी बराबर इधर पे रख दी। तो इसीलिए सब हटा दी जो नहीं यूज, जैसे कि जो रमजान के लिए सब सामान हटा दी, बाद में फिर रख लूंगी। खाली यहाँ पे मैंने ये सब दही भी इसमें जमाने का, अभी आज दही भी जमाना है मुझे, इंशाल्लाह दही जमाने की कोशिश करूँगी। कैसा लग रहा है मत बताओ। और मैंने लाइट तो पहले इधर लगाई थी, क्योंकि रेसिपी शूट करने के समय चालू करो है ना। अभी इधर भी और लाइट लगाने वाली हूँ, मतलब किचन को मैं सजाने वाली हूँ बहुत खूबसूरती से बराबर। और अभी मैंने जस्ट अभी एक लाइट वाले को बुला के यहाँ पे मैंने लाइट की पट्टी लगाई हूँ, आपको ऑन करके दिखाती हूँ, देखना कितनी खूबसूरत लगेगी। माशाल्लाह कैसा लग रहा है, मस्त एकदम मस्त लग रहा है ना। अभी ये डब्बे भी यहाँ से ये सब निकाल दूंगी, ये भी हटा दूंगी, क्योंकि ये दाल वगैरह के लिए मैं भर के रखती हूँ। रमजान में तो दाल तो कोई खाएगा नहीं, ऐसे भी लोग नहीं खाते हैं बराबर। तो ये पूरी जाली निकलेगी और इधर पे मैं अपना कुछ लगाने वाली हूँ, वो आपको लगाने के बाद बताऊंगी कि मैं क्या लगाने वाली हूँ बराबर है ना। और कितना खूबसूरत लग रहा है वो भी आप लोग मुझे बताना है ना। तभी वो जाली भी निकालेंगे, डब्बे हटा के कभी सब चटनी वगैरह भर के फ्रिज में आ जाएगी और ये जाली निकाल लूंगी। फिर इधर का पोंछ के, पोंछ साफ ही तो है, फिर भी थोड़ा हाथ मार के इधर का वो अपना लगा देगा जो लगाने का। फिर माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह इधर लाइट अच्छी लग गई है, क्योंकि इधर हम लोग रेसिपी को भी मसाला वसाला मिक्स करने का रहता तो हम इधर करते, तो इधर से उजाला अच्छा पड़ेगा। और इधर तो उजाला है इसका तो है, काफी मेहनत लगती है हर काम के लिए, हर काम करने के लिए सोचना बहुत पड़ता है कि मैं कितनी अच्छी क्वालिटी दूँ, कितना अच्छी सब पीछे खड़े भी होते तो पीछे सब उजाला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस मेरी यही कोशिश रहती है। अल्लाह ताला ने ये भी घर मेरा बहुत अच्छा है बहुत। ये घर में मैंने जब से कदम रखी भाड़े पे ही मैं ये घर में 5 साल और फिर उसके बाद में इसी घर को हम लोगों ने खरीदे बराबर। खरीदने के बाद इस घर को हम लोगों ने बनाए है ना। ये सब कुछ, ये घर को खरीदने में, ये घर को बनाने में, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड का ही पैसा है। मेरा एक रुपया भी इसके अंदर कुछ नहीं है, जब ना मैं कोई सोशल मीडिया पे थी ना कहीं पे थी बराबर। तब से मेरा घर ये इसी तरह का खूबसूरत सा बना हुआ है, बस उन्होंने कमाए और मैंने वो पैसे को बचा बचा के जिंदगी की गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से चलाई बराबर। और माशाल्लाह अभी एक घर मैंने ली, वो भी आप लोगों ने देखी। अभी उम्मीद करती हूँ उनके दिल में एक अरमान है कि अच्छा सा एक फ्लैट लूँ, या नहीं तो हमारे इधर ऐसे हाउसिंग बोर्ड के रूम बहुत हैं, मिलते हैं बड़े बड़े जैसे कि मिनी बंगले बोलते हैं उसको। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि वैसा कुछ लूँ। अभी तो चल जाता है, हम लोग 4 लोग हैं इतने से घर में ठीक है, मगर आगे चल के तो फैमिली बढ़ेगी ना। तो चलिए अभी मैं बनाने वाली हूँ कुछ चटनी मसाले, वो सब बनाने वाली हूँ। उसकी रेसिपी अगर आप लोगों को देखना है ना, जैसे कि मोमोज चटनी, सिजवन चटनी, अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्ची, खट्टी मिट्टी चटनी, ये सब जो मैं बोली ना, वो सब की रेसिपी आपको देखने मिलेगी मेरे अफरोज किचन पे। और गाइस मैंने अफरोज किचन पे ऐसी बहुत सी रमजान की पहले भी रेसिपी अपलोड करके रखी हूँ, आप लोग सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को आ जाएगा कि अफरोज किचन रमजान स्पेशल रेसिपी, या इफ्तारी डालेंगे तो भी आ जाएगा। इफ्तारी डालेंगे तो भी आ जाएगा। और शॉपिंग का तो आप इधर देख ही रहे हैं,
चलिए बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अभी अम्मी को भूख लग रही है, मुझे भी खाने लेके तो मैं अभी जैसे जाके पिज्जा लेके आता हूँ। पिज्जा कल डैडी ने बोल दिए थे बाहर बिरयानी। हाँ और आज भी मेरे को बोले वही बनाने का। अभी तू पूरा महीना बनाने वाली है, काम करने वाली, दो दिन किचन पे काम मत करना, जैसे भी कुछ मत करना। तो बोलते मुझे पूछे क्या खाएगी तू आज, मैं कल मेरे को पूछे तू क्या खाएगी, तो मैं बोली मैं बिरयानी खाऊंगी, मेरे को बिरयानी बनाता है ना जाबिर, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो खाई मैंने। और फिर आज मुझे पूछे क्या खाएगी, तो मैं बोलने से पहले बोल दिए सिख बिरयानी पसंद है ना, मुझे मालूम है, चल मैं 1 किलो सिख बिरयानी बोलता हूँ। अभी तो आराम से खा काम करके ले, और मेहंदी लगाने बोल रहे बाप बेटे दोनों। बोले हाथ में मेहंदी लगाओ, क्योंकि तुम जब बनाते है ना तो तुम्हारे हाथ मेहंदी वाले बहुत अच्छे लगते है ना। तो चलिए यहाँ पे अम्मी को खाना था पिज्जा, तो मैंने लेके आ गया पिज्जा। राकेश का एक दोस्त है, इधर की दुकान खोला है। हाँ, ना? अपने मतलब थोड़ा घर के बाजू में ये, तो उधर से आसिफ ने लेके आया। हाँ। तो बोल रहा था आसिफ को आके लेके जा लेके जा। वीडियो लिया जाता नहीं, वीडियो नहीं लिया, लूंगा कभी। अभी देखते हैं क्या है इसके अंदर। पिज्जा है, वो बर्गर है शायद। मोमोज नहीं मिला, मोमोज नहीं लाया तुमको? पिज्जा लाया ना, चिकन टिक्का पिज्जा से लेना पड़ेगा। तो चलिए इधर अम्मी अभी खा रहे हैं पिज्जा। आज मैं और अम्मी अकेले पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। अब बाप बेटे थोड़ी देर में खाए ना। हाँ बाप बेटे मुंबई गए लाइट का सामान लेने के लिए, गिर गए इस पे। हाँ तो लोग उधर कहा ले गए, हम लोग ने बोले हम लोग के लिए उधर से शाही टुकड़ा लेके आना। उस दिन गए थे तो खाने नहीं मिला था गुलशन ईरानी में ना। चलो अभी खा पी के फिर अपना काम चालू करते हैं, शूट करने का। तो चले गाइस, किचन की लाइट लगकर हो चुकी है। अभी यहाँ पर मेरी तैयारी चालू है चटनी बनाने की। सब चटनी बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ एक ही बार, फिर वो टाइम पे कैसे रमजान में मुझे टाइम नहीं मिलता है चटनी अलग से करो या ये अलग से करो। तो अभी देखिए मैंने वहाँ पे मोमोज की चटनी बना चुकी हूँ, उसी के साथ में मैंने सिजवन चटनी भी। ये सिजवन है ना? हाँ ये सिजवन है, वो मोमोज है, दोनों चटनी। यहाँ पे दोनों चटनी बनाकर रेडी कर ली हूँ मैंने, देखो किचन पे कैसे पका रही। अभी ये तो कुछ नहीं, इफ्तारी के टाइम तो और रहेगा, इफ्तारी के टाइम पे और हो जाता। और ये क्या बन रहा है? ये खट्टी मिट्टी इमली की चटनी बना रही हूँ मैं। ये अच्छा। अपने को लगती है ना, अपन दही वड़ा बनाते हैं ना। हाँ, दही वड़ा, सेव पूरी। भी बहुत अच्छी बनती है, दही वड़ा बनता है। हाँ। और ये बनता है दही पूरी बनती है, दही पूरी बनती है, तो इसमें क्या काम आती है। अच्छा। ये सब मेरे को एक महीने में सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। हाँ, एक महीने के पहले सब चीज खत्म हो जाती है। हाँ। 4-5 रोज बाकी रहते खत्म हो जाती, फिर मैं थोड़ा ये कर देती। फिर अच्छा लगता है, कबाब बिबाब की भी चटनी बना रही हूँ मैं, दही वाली ना, दही वाली कबाब की चटनी। हाँ, वो भी अच्छी लगती है कबाब के साथ। आराम से फ्रिज में रखो, आराम से खाओ, टेंशन नहीं। अभी अब्बा और अशरफ अभी तक आए नहीं। अभी फोन किए थे तो बोले दादर में स्टेशन से वो सेव भी मंगाने का बोले, बारिश से खाएंगे इसमें चटनी में। चटनी में लेके आऊं मैं? नहीं, बारिश से वो मैं इधर मिलती है अपने रूम में, 5 नंबर में लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के हो चुका है रेडी। अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया, यहाँ पे रेडी हो चुका है। डब्बे में भर रही हूँ, डब्बे में हमने भर ले कंटेनर में। तो मैं इतना सारा कितना दिन यूज हो सकता है? ये अपने पकाने के ऊपर है, आप जैसे कि कम क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये आराम से 6 महीना जाएगा। चलो कम लोग रहेंगे तो। हाँ कम लोग रहेंगे तो 6 महीना जाएगा, अपने को नहीं जाता, अपने को 2 महीना जाता है बस। अपने हर मसाले में यूज होता है, मसाले में यूज ज्यादा ही अदरक लहसुन का पेस्ट ज्यादा यूज होता है ना सब चीज में। और अब मैं ज्यादा, मेरे को अदरक लहसुन मैं डालती हूँ कोई भी रेसिपी में। ये हर इंसान ही डालते हैं, कोई भी रेंदो, होटल वाले रेंदो, कोई भी रेंदो, अदरक लहसुन तो यूज ही होता है, अदरक लहसुन के बगैर बनता नहीं है। अभी वो जो बहुत लोग रहते हैं अदरक लहसुन नहीं खाते लोग। डब्बे में भर के अभी रख दूंगी, आराम से पूरा रमजान तो अभी जाएगा ही अपने को। 15 दिन तो अभी हमारे घर में ही जाते रहते हैं, 15 दिन के बाद में फिर थोड़ा निकलते हैं बाहर भी, संडे विंडे के दिन शॉपिंग वीपिंग के लिए, तो थोड़ा इफ्तारी रुक जाती है। फिर भी मैं चालू ही रखती हूँ, इससे पहले थोड़ा मसाला था ना इसके लिए ऐसा नहीं कराया करता है। ये डब्बे में भी तो
तो चलिए गाइस, यहाँ पर माशाल्लाह सारी चटनी और सारे मसाले बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अभी मुझे टेंशन नहीं, कम से कम 15 दिन तक का, बराबर 15 दिन तक का मैं आराम से हमारी इबादत भी कर सकती हूँ और मैं रेसिपी भी शूट कर सकती हूँ। मैंने रमजान की सारी तैयारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से, हर साल से भी ये टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से की, क्योंकि मुझे कभी कभी हर टाइम क्या होता था, जैसे कि रेसिपी बनाना है, ये करना है, वो करने में मुझे कुछ इबादत करने नहीं मिल जाती थी। हाँ। अल्लाह माफ करे, हो गया मुझसे ऐसा, मगर इस टाइम पे मैंने ऐसा की हूँ कि मुझे कोई परेशानी ना आए और मेरी फैमिली भी खुश रहे और मैं अच्छी तरह से सब काम कर पाऊँ, बराबर है ना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वजह से कुछ चीजें मुझसे छूट जाती थी, ऐसा होता था आतिफ, है ना। तो अभी इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा मैंने काम अपने दिमाग से करी हूँ। तो चलिए ये देखिए, ये सारी चटनी और सारे मसाले मैंने 15 दिन के बनाकर रेडी कर ली हूँ। ये 15 दिन बाद अगर खत्म भी हो गए तो टेंशन नहीं मुझे, मैं फिर दूसरी रेसिपी बना लूंगी कुछ। हाँ। भी तो यहाँ पर मैंने बनाई हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर मैंने बनाई हूँ दरदरी हरी मिर्ची, यहाँ पर मैंने बनाई हूँ मोमोज की चटनी, यहाँ पर मैंने एक स्टार्टर के साथ में खाने वाली चटनी बनाई हूँ, सिजवन चटनी मैंने यहाँ पर बनाई हूँ, तंदूरी दही की चटनी बनाई हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर खट्टी मीठी चाट की बनाई हूँ चटनी, जैसे कि चाट पे भी डाल सकते हैं आप, दही वड़े पे भी डाल सकते हैं, सेव पूरी पे भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये सारी रेसिपी ना आपको मेरे अफरोज किचन पे देखने मिलेगी। तो जल्दी जल्दी जाइए अफरोज किचन पे जाके, मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर में शेयर कीजिए कि अफरोज आपा इतनी अच्छे से रेसिपी बनाते हैं, आपको समझाते हैं और काफी वो आपा मेहनत करते हैं, है ना। आप लोगों का प्यार, मेरी फैमिली का प्यार और उस खुदा का प्यार मेरे साथ में, अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही सेहतमंद रखे हमेशा, और मैं इसी तरह से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए इसी तरह से अच्छी रेसिपी लेते आती रहूं, है ना सिर्फ। तो चलिए अभी ये सब हम फ्रिज में रख देंगे आराम से, बस कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको देखने मिलेगा मेरे अफरोज किचन पे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मेरा सब काम खत्म हो गया, फिर मैं लगाने बैठी मेहंदी। यहाँ पे माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत सी मेहंदी लगाई है मुझे आलिया ने लगाई है, आलिया की आईडी टैग कर देना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी। और देखो कैसे लिखी भी है। हाँ। है ना, क्या लिखी है ये, रमजान मुबारक और रमजान करीम। हाँ, ऐसा कुछ लिखी है उसने, आलिया ने लिखी है, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, मुझे पसंद आई। कल चांद रात भी है तो मुझे इस तरह की मेहंदी चाहिए था। और तो हम लोग कुकिंग करती हूँ ना मैं, तो हाथ में मेहंदी देती ना तो और अच्छे लगते हैं हाथ खूबसूरत से, बराबर। तो चले गए, अभी बहुत थक गई हूँ, 3 बज गए, मैं अभी सो जाती हूँ आराम से, सुबह में उठूंगी, नाश्ता वगैरह करके नहा धो के सब काम करूँगी, है ना। तो कल पूरा लाइट वाइट लगाने का है, तो उसका व्लॉग आपको कल देखने मिलेगा, कल देखने में। कैसे मिलेगा, कल शायद चांद भी दिखेगा तो भी आप लोग को बताएंगे। चांद रात मुबारक बोलिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, फिर मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ में, खुश रहना हमेशा, है ना। अल्लाह ताले से मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी, सारी आवाम के लिए दुआ करूँगी, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो, मेरी फैमिली के लिए करो और सारी आवाम के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बस अल्लाह हाफिज।